नमस्कार, मैं हूं सचिन गोस्वामी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिवाली कल, कई राज्यों में पटाखों पर बैन, तो कुछ ने दी ग्रीन पटाखों को अनुमति। इस बार नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली भी दीपावली के साथ कल मनाई जाएगी। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन है, लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले समाप्त हो रही है, जबकि 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होगी, इसलिए दीपावली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वहीं दिल्ली सहित कुछ राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो कहीं समय निश्चित किया गया है। कुछ राज्यों में केवल ग्रीन पटाखों को अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश में पटाखों पर हालांकि पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अति संवेदनशील पटाखों की खरीद फरोख्त को हतोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने पटाखों की दुकानें आबादी से दूर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात विधानसभा में घटी भाजपा की सीटें, इस बार खास तैयारी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम हुई हैं। पिछले चुनाव में भाजपा बहुमत से महज 7 सीटें ही ज्यादा जीत पाई थी। इसे देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा न तो कांग्रेस को हल्के में ले रही है और न ही आम आदमी पार्टी को। पिछले 27 साल की अपनी सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के सत्ता विरोधी माहौल को भाजपा सामने नहीं आने देना चाहती है। ऐसे में भाजपा विभिन्न आयामों, खेती, उद्योग, रक्षा, खेल, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषय आदि लेकर जनता के बीच जा रही है। पुराने मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों को झटका, कल से नहीं चलेगा व्हाट्सएप। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के पूरी दुनिया में 2 अरब मंथली एक्टिव यूजर हैं, जबकि भारत में अकेले 50 करोड़ से अधिक लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच व्हाट्सएप ने एक निर्णय लिया है, जिसके तहत कुछ पुराने वर्जन के आईफोन और एंड्रॉयड फोन्स पर ठीक दिवाली के दिन यानी कल से व्हाट्सएप नहीं चलेगा। यानी कल से पुराने iOS और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे में ये फोन रखने वालों को व्हाट्सएप की सर्विस नहीं मिलेगी। आईफोन 5 और आईफोन 5C यूजर भी व्हाट्सएप की सर्विस नहीं ले पाएंगे। इसका कारण कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो पुराने फोन पर काम नहीं करेंगे। शरणार्थी संकट से डरा यूरोपीय संघ, यूक्रेन को देगा 18 अरब यूरो की मदद। यूक्रेन में युद्ध के चलते शरणार्थी संकट गहराता जा रहा है। लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर किसी अन्य यूरोपीय देश में जाना चाहते हैं। इससे यूरोपीय संघ के देशों में चिंता व्याप्त हो गई है। शरणार्थी संकट से बचने के लिए यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 18 अरब यूरो की मदद देने का फैसला किया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूक्रेन में मूलभूत सुविधाओं को बनाए रखने के लिए प्रति माह लगभग 3 से 4 अरब यूरो की आवश्यकता है। इससे पूर्व यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आगाह किया था कि रूस ऊर्जा संरचना को तबाह कर शरणार्थी संकट को और भड़काना चाहता है। वहीं रूस का कहना है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बात की जा सकती है। अर्थशास्त्री अनिल बोकिल ने किया आगाह, बड़ी मंदी की चपेट में दुनिया, सिर्फ भारत बना उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी की सलाह देने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अनिल बोकिल का कहना है कि ब्रिटेन से रूस और जर्मनी तक, चीन से जापान तक की खस्ता हाल होती अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का संकेत दे रही है। पश्चिमी देशों की मदद करते करते अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी घटने लगी है। महंगाई की मार से बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी परेशान हो गए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के लिए भारत ही उम्मीद की किरण बना हुआ है। अनिल बोकिल का कहना है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत के आर्थिक विकास की दर को भी घटा दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया वर्ष 2008 के बाद भीषण मंदी की चपेट में पहुंच गई है। इसका प्रमुख कारण कंजप्शन नहीं कर पाना है। अपने घर की छत पर लगाएं ट्यूलिप विंड टरबाइन, बिजली बिल से मिलेगी निजात। देश में पेट्रोल से लेकर CNG और बिजली तक सभी कुछ महंगा हो रहा है, बिजली का बिल भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्यूलिप विंड टरबाइन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ऊर्जा पैदा करने के नए तरीकों का स्वागत करना चाहिए। ट्यूलिप विंड टरबाइन मशीन के लिए न तो लंबे टावर और न ही बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है। इसे बेहद कम जगह में कहीं पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इस मशीन से बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फ्री में बिजली भी मिलेगी। ये मशीन कम हवा में भी बिजली उत्पन्न कर सकती है।
आनंद महिंद्रा ने कहा कि भारत के लिए ये ट्यूलिप टर्बाइन मशीन एक आदर्श है और ये शहरी व ग्रामीण दोनों जगह के लिए उपयोगी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया के ताजा समाचारों के साथ। देखते रहिए IMT मीडिया।